हे गाइस, 10 समर स्किन केयर टिप्स जिसे फॉलो करके स्किन को ब्राइट, हेल्दी एंड ग्लोइंग बना सकते हो नेचुरली। बहुत बजट फ्रेंडली है तो हर कोई इसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, समर ग्लोइंग स्किन डिटॉक्स वाटर, जिसे बनाने के लिए चाहिए कैरेट, टर्मरिक, बीटरूट और मिंट लीव्स। ये चारों चीजें चाहिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही रीजनेबल भी है, आराम से इसको बना सकते हो। अच्छे से सबको क्लीन करके कट कर लेना है, ऑन बाय ऑन सबको डाल लेना है, उसके बाद पानी डालना है, उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद रेडी हो गया है आपका ग्लोइंग स्किन का ड्रिंक। ये ड्रिंक बहुत ही इफेक्टिव है, स्किन को इतना ज्यादा हाइड्रेट करते हैं, एक्ने से फाइट करते हैं, रिड्यूस करते हैं डलनेस को, आपके स्किन को स्मूथ करते हैं, फेड करते हैं आपका डार्क स्पॉट को, आपको अंदर से पूरा बॉडी को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। विटामिन ए है, बीटरूट है, सी है, तो स्किन को बहुत अच्छे से ब्राइट भी करता है। तो ये मस्ट हैव है। आप समर में अगर इस ड्रिंक को अगर पियोगे तो आपके स्किन में बहुत अच्छे से रिजल्ट दिखने मिलेगा, ब्राइटनेस दिखने को मिलेगा और बहुत अच्छे ग्लो भी करेगा। वेट लॉस में हेल्प करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो ये ड्रिंक को जरूर ट्राई करना और कमेंट में जरूर इसका रिजल्ट शेयर करना। टिप नंबर 2, समर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है टैनिंग, डल स्किन और फेस में तो ग्लो एंड ब्राइटनेस तो दिखती ही नहीं है। आज मैं आप लोगों के साथ एक फेस पैक शेयर करूंगी जो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है मेरा स्किन को ब्राइट करने में। सो मुझे ये रोज पेटल मिला था, रोज मिला था वैलेंटाइन डे में, तो इसको मैंने अच्छे से तोड़ लिया जब 2-3 दिन हो गया। उसके बाद फिर इसको मैंने अच्छे से क्लीन करने के बाद इसको मैंने धूप में सुखाने के लिए दे दिया, और ये जो रोज जो था वो पूरा देसी था और बहुत अच्छे से खुशबू दे रहा था, तो इसको मैंने अच्छे से धूप में सुखा दिया। इसको सूखने में ना 2 से 3 दिन लगता है अच्छे से सूखने में। सो ये 1 दिन बाद कुछ ऐसा दिख रहा था एंड 2 से 3 दिन के बाद ये पूरा ड्राई हो चुका था। अब रेडी है इसको यूज करने के लिए। चलो इसको रेडी करते हैं। अब तो इसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से मैंने इसको डाल लिया है। उसके बाद इसका एक फाइन सा मैंने पाउडर बना लिया है। ये रेडी हो गया है हमारा नो केमिकल्स वाला रोज पाउडर। इसका खुशबू मेरा पूरा घर पे महक रहा है क्योंकि ये ओरिजिनल रोज था और बहुत ही ज्यादा खुशबू और दे रहा था। और उसके साथ आप इसको ना इजीली 1 से 2 साल के लिए भी स्टोर कर सकते हो। यस गाइस, सो अब इसका पैक रेडी करेंगे। सो मैंने थोड़ा सा जैसे मुझे लगेगा क्वांटिटी फेस और नेक के लिए, तो मैंने पाउडर ले लिया है रोज का और थोड़ा सा दही और मैंने थोड़ा सा हनी ले लिया है। विदाउट वाटर तीनों को मिक्स करके अच्छे से फेस और नेक पे लगा लेना है 15 से 20 मिनट के लिए। स्किन को बहुत अच्छे से डीपली क्लीन करता है, डेड सेल को रिमूव करता है, रिफ्रेश करता है आपके स्किन को नेचुरली, आपकी स्किन को बहुत अच्छे सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाता है, टैन रिमूव होता है, पिगमेंटेशन जब रिड्यूस होता है वैसे ही धीरे धीरे आपका स्किन ब्राइट लगने लगता है, स्किन को टाइट करता है। अगर एक्ने का आपका मार्क्स है ना, जो मार्क्स रहता है ब्लैक, उसको भी रिमूव करने में बहुत हेल्प किया है। मैं तो इसको बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ तो मेरा स्किन को काफी हद तक अच्छा करने के लिए ये फेस पैक मैंने बहुत यूज किया है, इफेक्टिव है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छे से इसको क्लीन कर लेना है और ये जो फेस मास्क है इसको आप यूज करो, आपके स्किन कितना ज्यादा सॉफ्ट और ग्लोइंग लगेगा खुद ही पता चलेगा। मेरा स्किन देख ही सकते हो आप लोग, और कमेंट करके बताना आप लोगों को ये फेस पैक कैसा लगा। टिप नंबर 3, सनस्क्रीन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किन केयर प्रोडक्ट सनस्क्रीन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम सबको पता है, पर गर्मी के टाइम पे सनस्क्रीन भी ऐसा होना चाहिए जो बॉडी में चिपचिपा ना हो, फेस को ज़्यादा ऑयली ना करे और थोड़ा सा अंडर बजट में भी हो। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ ऑप्शन शेयर कर रही हूँ, ये अंडर 500 में ही है और बजट में भी है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये लाइट वेट है, ये स्टिकी नहीं होता है एंड हाइड्रेट भी करता है। आपके स्किन अगर बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप मॉइस्चराइजर को स्किप करके डायरेक्ट सनस्क्रीन को अप्लाई कर सकते हो, ये मैं करती हूँ। ऑयली वाला अगर स्किन है, एक्ने प्रो स्किन है, तो जेल बेस आप सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे स्किन में अप्लाई करना, विदाउट सनस्क्रीन और सनस्क्रीन स्किन का हाल कुछ ऐसा ही होता है। तो सनस्क्रीन 2-3 घंटा छोड़ छोड़ के समर के टाइम पे जरूर अप्लाई करें। सनस्क्रीन नहीं अप्लाई करोगे तो स्किन कभी भी आपका अच्छा नहीं होगा।
इसका ना मुंडी ठीक नहीं है, पंप वाला कभी मत लेना, ट्यूब वाला लेना, क्योंकि पंप वाला कभी कभी काम नहीं करता है, इसलिए इसका मुंडी तोड़ के मैं इसका क्रीम निकाल रही हूँ। सो अंडर बजट में 500 में है। मुझे एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि अंडर बजट 500 में सनस्क्रीन शेयर करने के लिए, तो कुछ ऑप्शन जो मैंने पर्सनली यूज़ किया है और मेरे स्किन में एक्ने नहीं दिया है तो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हो। फेस के साथ साथ बॉडी में भी सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो SPF वाला बॉडी लोशन जो सनस्क्रीन आता है वो ज़रूर आप ट्राई करना, क्योंकि उससे क्या होगा ना, बॉडी भी आपका टैन नहीं होगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सनस्क्रीन समर में मत भूलना, ज़रूर लगाना। टिप नंबर 4, हाइड्रेशन। बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है समर में, तो हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोकोनट वाटर पी सकते हो, हफ्ते में 7 दिन नहीं तो 4 दिन तो पी ही सकते हो। कोकोनट वाटर से बैड जो टॉक्सिन होता है बॉडी में वो रिमूव हो जाता है, स्किन वैसे ही ग्लो करता है। अगर एक्ने है तो आपको एक्ने को हील करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो कोकोनट वाटर पिया करें। एंड पानी आप 2 से 3 लीटर पिया करो, क्योंकि पानी आप पियोगे तो आपका जो बैड टॉक्सिन है वो तो रिमूव हो जाएगा, उसके साथ साथ आपका स्किन भी क्लियर रहेगा, क्योंकि एक्ने नहीं होगा। और आप पानी के अलावा भी छाछ पी सकते हो, लस्सी पी सकते हो, पर छाछ लस्सी ये सब में शुगर मत डालना। पानी आप याद से पीना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समर में। एटलीस्ट आप 2 से 3 लीटर पिया करो, एंड 4 लीटर होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, पर पानी आपकी स्किन को क्लियर और हेल्दी और ग्लोइंग रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समर में हाइड्रेट रखो खुद को और हेल्दी रहो। समर में बहुत ही जल्दी सनटैन हो जाता है पाँव में, एंड स्मेल भी आता है स्वेटिंग के वजह से, तो मैं यहाँ पे पेडिक्योर कर रही हूँ, उसके लिए मैं एक स्क्रब रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने शुगर ले लिया है, कॉफ़ी पाउडर एंड कोकोनट ऑयल, कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। अच्छे से मैंने ये तीनों को मिक्स कर लेना है, मुझे जैसा टेक्स्चर चाहिए था वैसा मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो आप लोगों को और थोड़ा सा दरदरा रखना है तो रखना, बट ये दरदरा आपको बहुत अच्छे से स्क्रब करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे मैंने रॉक सॉल्ट मिला लिया है, थोड़ा सा गुनगुना पानी में नींबू डाल लिया है, थोड़ा सा मैंने कोकोनट ऑयल भी डाला है। अच्छे से अपने पाँव को डिप करना है 10 से 15 मिनट या फिर आप 7 से 10 मिनट भी कर सकते हो। कुछ ज़्यादा पानी गर्म है इसलिए मैं उतना अच्छे से रख नहीं पा रही थी, अभी ठीक है। एंड उसके बाद नींबू का जो छिलका है उसको अच्छे से घिसना है, ताकि जो भी गंदगी रहे वो निकल जाएगा। एंड उसके बाद जब सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद अच्छे से अपने पाँव को घिस लेना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को मार्क दिखा रही हूँ, अगर आपके घर में कैट है तो इन्फेक्शन होता है, तो ऐसा अगर मार्क होता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इसको रिमूव करना। आप लोगों के पास अगर ऐसा कुछ जानकारी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करना। उसके बाद मैं अपने नेल्स को अच्छे से क्लीन करूँगी, तो यहाँ पे मेरा पूरा थोड़ा सेटअप है नेल्स क्लीन करने का। तो उसके बाद जब सॉफ्ट हो जाता है तो आपका नेल्स बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, तो जो भी आपके क्यूटिकल्स है उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो। इसके बाद मैं स्क्रबर करूँगी, ये स्क्रबर वर्ल्ड का बेस्ट स्क्रब है मुझे लगता है, क्योंकि एक तो इतना इजीली घर पे मिल जाता है, उसके बाद इतना अच्छा इसका रिजल्ट है। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था ये बेस्ट स्क्रबर है। मैं अच्छे से ये स्क्रबर तो लगा रही हूँ, इससे क्या होगा सनटैन तो रिमूव हो जाएगा, डेड सेल भी रिमूव हो जाएगा, और मेरा स्किन जो है पाँव का वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ इसको वॉशरूम में करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेसी हो सकता है। मैं वॉशरूम में नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था, इसलिए मैं रूम पे कर रही हूँ, पर आप लोग वॉशरूम में ही इसको यूज़ करना। उसके बाद 10 से 15 मिनट छोड़ देना, उसके बाद जो लिक्वॉर्म वाटर रहेगा या फिर नॉर्मल जो वाटर रहेगा उसके बाद अच्छे से इसको क्लीन करना है। आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखने मिलेगा, आपका स्किन इतना ज़्यादा क्लीन लगेगा, ब्राइट लगेगा, सॉफ्ट लगेगा। उसके बाद मैं अपना रायता जो फैलाए थे वो मैंने क्लीन कर लिया है, और देखो मेरा फिट बिफ़ोर और आफ्टर कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है। बिफ़ोर में कितना ज़्यादा डल लग रहा था, क्योंकि आज मैं थोड़ा धूप में निकली भी थी। सो इसको ज़रूर ट्राई करना, इससे आपका पैर बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, आपका जो सनटैन रहता है वो भी रिमूव हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा सा रेगुलरिटी के साथ इसको मेंटेन करना। अगर ज़्यादा सनटैन है तो हफ्ते में 7 दिन करना, नहीं तो 2 से 3 दिन भी करोगे तो चल जाएगा। उसके बाद कोई सा भी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लो अपने फीट में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो इसको स्किप मत करना। उसके बाद अपना फीट देख सकते हो कितना ज़्यादा क्लीन और हेल्दी और ग्लोई लग रहेगा।
नेक्स्ट समर डाइट फॉर ग्लोइंग स्किन, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि हमेशा जो सीजनेबल जो फ्रूट है उसको अपने डाइट पे इंक्लूड करना है। अभी समर है तो अभी तरबूज मिल रहा है और तरबूज उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो अपने डाइट पे आप इजीली इसको इंक्लूड कर सकते हो। तरबूज में बहुत ज़्यादा स्किन में हाइड्रेट करता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हाई वाटर कंटेंट है, 92% आपकी ह्यूमिडिटी को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है, रिड्यूस करता है आपके एक्ने को, एंड आपका जो अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो उसको वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है, फाइट करता है कैंसर से, क्लीन करता है किडनी से, और सीड को मत फेंकना क्योंकि हेयर के लिए बहुत अच्छा है, तो इसको भी कंज्यूम करना। समर में आप आंवला ले सकते हो, आंवला तो वैसे मिल जाता है कोलकाता में तो ऑल टाइम ही मिलता है, तो मैं तो लेती ही हूँ, जूस में भी ले सकते हो और ग्रीन जूस पी सकते हो। ग्रीन जूस बहुत अच्छा होता है एक्ने फ्री स्किन के लिए, तो समर में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और विटामिन सी के लिए आप ऑरेंज ले सकते हो, अभी भी ऑरेंज मिल रहा है तो जितना दिन मिल रहा है तो आप ऑरेंज भी कंज्यूम कर सकते हो। और स्किन को ब्राइट करने के लिए भी आप रेड जूस ले सकते हो, मेरे स्किन को ब्राइट करने में, अच्छा एक टोन स्किन में लाने के लिए रेड जूस ने बहुत हेल्प किया है। तो ये सारे जूसेस लेना, रेड मीट या फिर गरम तला हुआ ये सारे चीज़ मत खाना, क्योंकि समर में जितना हो सके लिक्विड रहो, अपने डाइट को हेल्दी रखो तो आपका स्किन भी हेल्दी और ग्लोइंग और एक्ने फ्री रहेगा। समर में हेयर बहुत ड्राई हो जाता है एंड स्कल्प बहुत इची हो जाता है स्वेटिंग की वजह से, जिसके वजह से हम लोग बार बार शैम्पू करते हैं तो स्कल्प भी ओवर ड्राई हो जाते हैं, हेयर भी ओवर ड्राई हो जाता है। ये मैसेजर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब मैं ऑयल मसाज करती हूँ, यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल लगा रही हूँ, आप लोग कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल या फिर कोई सा भी ऑयल लगा सकते हो। ऑलिव ऑयल बालों को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, नरिश करता है एंड बहुत ज़्यादा लाइट होता है, चिपचिपा नहीं होता है, तो मुझे पसंद है, मैं कोकोनट ऑयल भी लगाती हूँ। ऑयल लगाने से पहले स्कल्प में अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेंगे, उसके बाद मसाजर से इसको अच्छे से मसाज कर लेंगे, अच्छे से अपने स्कल्प में अच्छे से लगा लेना, उसके बाद अच्छे से इसको मसाज करना ताकि ब्लड सर्कुलेशन आपके स्कल्प में बहुत अच्छे से हो। मैं ऑलिव ऑयल लगाती हूँ हफ्ते में एक दिन और कोकोनट ऑयल लगाती हूँ हफ्ते में एक दिन, ये मैं दो बार लगाती हूँ हफ्ते में ऑयलिंग करती हूँ ताकि मेरा हेयर ज़्यादा ड्राई ना हो, सॉफ्ट रहे और हेयर का जो टेक्स्चर है वो भी मेंटेन रहे। अभी मैं फुल लेंथ पे लगा रही हूँ, ऑयल अच्छे से लगा के 2 से 3 घंटा आप रख सकते हो या फिर आप 1 घंटा रख सकते हो, बहुत ज़्यादा ओवर ड्राई है तो आप 2 से 3 घंटा ही रखना, इससे आपका हेयर बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, नरिश हो जाएगा और आपका हेयर में जो ड्राइनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो समर के टाइम पे भी ऑयलिंग करना एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार, वो आपके हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एंड कोशिश करना कि आपका अगर स्वेट हो रहा है स्कैल्प तो उसको आप थोड़ा सा टिश्यू पेपर से थोड़ा सा क्लीन कर लेना, उससे आपका हेयर फॉल भी नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना अपने हेयर केयर में। नेक्स्ट है आइस फेशियल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है स्किन के लिए एंड खास करके समर में तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, फेस को कूल करता है, आपका ओपन पोर्स को भी रिड्यूस करता है, एक्ने को भी आपको रिड्यूस करता है। अगर आप लोगों को डिप करने में प्रॉब्लम होता है आइस में तो आइस को पहले पिघला के भी आप डिप कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट आइस को भी अपने फेस में रब कर सकते हो, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, स्किन आपको बहुत अच्छे से एक्ने होते हैं रिड्यूस होगा। और एक्ने जहाँ जहाँ है वहाँ पे आइस को ऐसे रख के 10 तक गिनना है, 1 2 3 4 करके 10 में जहाँ जहाँ पे एक्ने, उससे क्या होगा देखोगे एक्ने बहुत जल्दी से हील हो जाता है। सो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़रूर करना, मुझे तो बहुत ज़्यादा हेल्प किया है एंड रिड्यूस करता है ऑयलीनेस को, सनबर्न को भी सूथ करता है एंड आइस फेशियल करने से ऐसे ही मेरे जैसा रेड हो जाता है गाल, पर मेरा थोड़ा नीचे हो गया है, ऊपर हो जाता तो थोड़ा अच्छा लगता, लगता है कि मैं ब्लशन लगाई हूँ एंड बूस्ट करता है स्किन को, इसलिए आपको एक हेल्दी ग्लो भी मिलता है। तो आइस फेशियल इस समर में तो मस्ट हैव है, आप लोग ज़रूर करना, इससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आएगा और आपका स्किन अंदर से ग्लो करेगा।
नेक्स्ट है समर स्किन केयर मॉइस्चराइजर, जो कि बजट फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट मॉइस्चराइजर है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। हिमालया का रोज पेटल मॉइस्चराइजर, ये बहुत अच्छा जेल मॉइस्चराइजर है जो स्किन को बहुत ऐसे सूद करता है, स्किन को ग्लो देता है और स्किन को बहुत ऐसे हाइड्रेट करता है, नरिश करता है। और यहाँ पे हिमालया का ही मॉइस्चराइजर एलोवेरा जेल है, एक्टिव एक्ने है, बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो ये यूज़ कर सकते हो, वह बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है, तो टीनेजर के लिए तो ये मस्ट हैव है, तो ज़रूर इसको ट्राई करना है समर में। एंड नेक्स्ट है मेरा फेवरेट पॉन्स लाइस जेल। ये मॉइस्चराइजर ना जाने कितना डब्बा मैंने ख़त्म किया है, फिर भी मैंने अभी संभाल के रखा था दो, और ये तीसरा वाला चल रहा है। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है। एंड डॉट एंड की का ये मॉइस्चराइजर भी मैंने यूज़ किया है, आधा से भी ज़्यादा ख़त्म कर दिया है, लाइट वेट है, एक्ने होने नहीं देता है, एक्चुअली ऑयली और एक्ने स्किन के लिए ही है, स्किन को हाइड्रेट करता है एंड बजट फ्रेंडली भी है, समर के लिए तो एकदम परफेक्ट है, चाहो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो। और जिसका स्किन थोड़ा सा और ज़्यादा हाइड्रेशन चाहिए तो आप डॉट एंड की का बैरियर वाला ये हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, समर के लिए बेस्ट मॉइस्चराइजर है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। लास्ट टिप्स, गर्मियों में ब्रीदेबल फैब्रिक पहना करें, सबसे अच्छा तो कॉटन है, लूज कपड़ा पहना करें, सिंथेटिक टाइट फिटिंग कपड़ा को इग्नोर करें, उससे स्किन इरिटेट इचिंग होता है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो ये रहा गाइस मेरा समर का कुछ टिप्स जिससे आप इजीली फॉलो कर सकते हो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब कोई खुश रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय।